हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरे रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो आज फिर आपके लिए एक मैसेज लाई हूँ मैं डिवाइन का। देखेंगे आज डिवाइन ने क्या होल किया है आप लोगों के लिए और क्या मैसेज देना चाहती है डिवाइन आप लोग। ठीक है, लेकिन मैं मैसेज स्टार्ट करने से पहले, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ करनाती ज्योति जी को, जिन्होंने मुझे डोनेशन किया है। मुझे डोनेशन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच। आपके लिए अगर कोई मैसेज है डिवाइन का तो आज देख लेते हैं। आंसर बुक से देखते हैं कि आपको क्या आज डिवाइन कहना चाहते हैं। ठीक है, गिव इट ऑल यू हैव गॉट। ओके, तो आपके लिए जो है डिवाइन का ये मैसेज है कि जो कुछ भी आपके पास है आप उसे बांटना शुरू कर दीजिए। जब आप चीजों को बांटना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ में चीजें जो है मल्टीप्लाई होकर आपको रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ईश्वर का ये मैसेज आपके लिए है कि आप जो कुछ भी अर्न कर रहे हैं या जो कुछ भी आपके पास है, उन सभी चीजों को जितना हो सकता है आप अपने अकॉर्डिंग शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे चीजें उतनी ज्यादा मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में वापस आएंगी। ठीक है, तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके, अब जो है कुछ लोगों को थैंक यू बोल लेते हैं, जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो 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 मच आप लोगों का। ठीक है, चलो नाम शाउट आउट कर लेते हैं। सीमा गुप्ता जी, बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच सीमा जी, आपके आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए अगर कोई मैसेज है डिवाइन का तो देखेंगे कि आज डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए है इट कैन नॉट फेल, यानी कि आप जो हैं कभी भी फेल नहीं होंगे। ईश्वर आपको फेल नहीं होने देंगे। आप जो भी कर रहे हैं, जिस चीज के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करते रहिए, आप कभी फेल नहीं होंगे। आपके ये नेगेटिव थॉट्स इनको रिलीज कीजिए। ठीक है, इसके साथ ही एक और मैसेज आ गया था, असिस्टेंट वुड मेक योर प्रोग्रेस अ सक्सेस। ओके, तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हैं उसको करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, लेकिन आपको अगर किसी का असिस्टेंस मिल जाए या फिर आपको कोई मेंटर मिल जाए या कोई ऐसा इंसान जो आपको थोड़ा सा गाइड कर सके या फिर आप किसी की हेल्प ले सके, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आप अपने सक्सेस को बहुत जल्दी जल्दी अचीव कर लेंगे और सक्सेस पाना आपके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये मैसेज आपके लिए है। अब कल्याण सुंदरम जी को मैसेज दे देते हैं। कल्याण जी, बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए कोई मैसेज है डिवाइन का तो देख लेते हैं। वट एवर यू डू द रिजल्ट विल बी लास्टिंग। ओके, कल्याण सुंदरम जी, तो आपके लिए एक मैसेज है, वो ये है कि जो भी आप अपने जीवन में करते हैं उन सभी चीजों का रिजल्ट आपको उसी वक्त नहीं मिल जाता, उन सभी चीजों का रिजल्ट जो है आपको थोड़े टाइम के बाद मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है जब भी आप कुछ करें। देखिए, जैसे आपने आज कोई बीज बोया है तो आप उसकी मिट्टी को बार बार निकाल कर तो नहीं देखेंगे ना, अरे ये तो उगा ही नहीं, ये तो उगा ही नहीं, ये तो उग ही नहीं रहा, या ये तो अब उगेगा या कल उगेगा परसों उगेगा। रोज रोज अगर उसको खोल खोल के देखेंगे तो सड़ जाएगा, है ना? तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जो भी मेहनत आप आज कर रहे हैं उसका फल आपको आज नहीं मिलेगा, उसका फल आपको कल परसों तक ही मिलेगा। तो थोड़ा सा पेशेंटली वेट कीजिए, प्रोसेस ओरिएंटेड रहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहिए, चीजें धीरे धीरे होती हैं। ठीक है, आप जो हैं पंकज जायसवाल जी को मैं बहुत ज्यादा दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे 1000 रुपीज का सुपर थैंक्स भेजा है। थैंक यू सो सो मच, आपने मुझे इतना बड़ा सुपर थैंक्स भेजा है, इसके लिए आपका दिल से थैंक यू सो मच। आपके लिए कोई मैसेज डिवाइन का है तो मैं जरूर बताऊंगी आपको। डोंट बी कंसर्न्ड, देखिए आपको कहा जा रहा है किसी भी एक चीज के ऊपर टिके मत रहिए। ठीक है, जितना हो सके आप चारों तरफ ध्यान दीजिए, अपने चारों तरफ ध्यान दीजिए और थोड़े एक्टिव बन के रहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सही टाइम पर जब आप अपनी चीजों के लिए कोशिश कर रहे हो, आप सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दें और बाकी चीजें जो आपके जीवन में वो भी कुछ अच्छा लेकर आ रही है उन पर आप ध्यान ही ना दें, वो अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन से निकल जाए। तो ध्यान आपको चारों ओर देना है अपने, क्योंकि टाइम पीरियड जो है आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है, चीजें आपके लिए बदल रही होंगी। ठीक है, और मेरा दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच है आपको पंकज जायसवाल जी, कि आपने मुझे इतना बड़ा
सुपर थैंक्स भेजा है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं प्रे करती हूँ, ब्लेसिंग्स देती हूँ आपको कि जो आपने मुझे दिया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपको एक वेल्थ बनकर रिटर्न हो, यानी कि जो भी पैसे आप खर्च कर रहे हैं, जो भी आप शेयर कर रहे हैं, वो मल्टीपल 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 टाइम्स आपको रिटर्न हो। थैंक यू सो मच। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, आज देखते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपसे और क्या मैसेज आपके लिए है आज। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो वही लें। ठीक है, जबरदस्ती अपने ऊपर रीडिंग को ना थोपे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जल्दी जल्दी पता चल जाए कि मैंने रीडिंग पोस्ट कर दी है। ठीक है, टू ऑफ कप्स कार्ड आ गया है आपके लिए। ठीक है, तो भाई कोई प्यार तो आ रहा है आपके जीवन में, कोई तो आ रहा है, कुछ ना कुछ तो लेकर आ रहा है आपके लिए। ठीक है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी कि इक्वल गिव एंड टेकिंग आई है। ठीक है, यानी कि जो चीज आपको मिल रही है देनी भी है आपको, या फिर जो आप दे रहे हैं तो वो अब मिलेगा भी आपको। ठीक है, ओके, इतने सारे मैसेजेस नहीं लेंगे, बहुत सारे मैसेजेस जो है आना चाहते हैं, बहुत सी बातें हैं जो आपको एंजल्स बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ करना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा मैसेज, कोई ये वाला आना चाह रहा है बीच में। ओके, 7 ऑफ पेंटाकल्स, तो देखिए शायद थोड़ा सा आपके मन में ना बहुत से डाउट्स हो, बहुत सी चीजें चलते हैं, बहुत से विचार चलते हो आपके मन में। थोड़ा सा अपने आप को ना विचारों से रिलीज कीजिए, जितना ज्यादा नेगेटिव थॉट से आप दूर रहेंगे ना, उतनी ज्यादा चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी और बेहतरीन रहेंगी। तो सारे आ गए हैं मैसेज। ओके, द सन कार्ड आया है आपके लिए, तो देखिए आपके जीवन में ना कुछ तो बहुत तो जबरदस्त एक चेंज आने वाला है, एक शिफ्ट आने वाला है। ओके, दो मैसेजेस आ गए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, फायर साइन ज्यादा आ रहे हैं आज, क्या बात है। चलिए फिर ले लेते हैं कार्ड्स और ले लेते हैं, देखते हैं आगे क्या आ रहा है। बेसिकली आपके लिए ना कोई बहुत बड़ी सक्सेस है, बहुत जबरदस्त कोई शिफ्ट आ रहा है आपके लाइफ में, बहुत चीजें आपके लिए बदलने वाली हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने करियर में कुछ कर रहे हैं या किसी भी चीज पर आप तो मेहनत कर रहे हैं, तो बेसिकली आपके ना संपत्ति बढ़ने वाली है। ठीक है, संपत्ति आपकी बढ़ने वाली है, कुछ ना कुछ तो आप अपने जीवन में ऐसा करेंगे जो कि बहुत ही अलग है। कोई कार्ड नहीं आ रहा, प्लीज एंजल बस दीजिए अभी। नाइट ऑफ पेंटकल्स, दो आ गए हैं कार्ड्स, एक है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, दूसरा है टेम्परेंस कार्ड। देखिए इसकी कमी थी द डेविल, ये तो जैसे आपके बिना रह नहीं सकता, इसको तो बहुत तकलीफ है, सच्चा प्यार करता है ये आपसे, आपको जाने नहीं देना चाहता, जबरदस्ती बेशर्मों की तरफ घर चलाता है जहां भी।
चलिए थर्ड हैं। ठीक है। 8 ऑफ कप्स। ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्योंकि पास्ट से भी आपके साथ चीजें ना काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग रही हैं और बहुत ज्यादा खराब भी रही हैं चीजें, है ना। मतलब आपने बहुत ज्यादा लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ किया है, और उन सभी चीजों में ज्यादातर चीजें सिमिलर रही हैं आपके साथ। ठीक है, बेसिकली देखिए यहाँ पे जो है आपकी लाइफ एक नया मोड़ लेने वाली है। पॉसिबल है कि आप किसी इंसान से मिलेंगे अपनी लाइफ में, और बेसिकली आप अपनी ग्रोथ भी कर रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हो रही हैं। आप बेसिकली आपकी जो लाइफ है ना, जैसे डेस्टिनी होती है, डेस्टिनी आपकी जो है आपके फेवर में कुछ कर रही है। और ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपकी फेवर में चीजें नहीं हुई हैं, आप बहुत ज्यादा निराश रहे हैं, उदास रहे हैं, परेशान रहे हैं, कंपैरिजन बहुत ज्यादा किया गया है आपका, और आपने भी अपने आप को ना एक नेगेटिविटी में जैसे झोंक दिया था और चीजों को आपने अलग सिरे से नहीं देखा। यहाँ पे वैसा ही कुछ आ रहा है, पास्ट से आ रहा है आपके लाइफ में, कि बेसिकली आपके जीवन में ना आपके प्यार को बेसिकली बहुत ज्यादा टारगेट किया गया, यानी कि आपको जो है आपके प्यार को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया, आपको प्यार से बहुत ज्यादा दूर रखा गया, और आपके जीवन में अगर कोई आ रहा है तो उसको रोका गया। मतलब बहुत ज्यादा जो है बेसिकली आपके प्यार को लेकर के चीजें खराब की गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जीवन में प्यार आ रहा है, और ये बिल्कुल सच्चा प्यार है, जो इक्वली गिव और टेकिंग वाला प्यार होगा, यानी कि जितना आप देंगे उतना ही आपको मिलेगा, और जितना कोई देगा आपको आप भी मजबूर हो जाएंगे उतना उसको रिटर्न करने को। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़े से अपने नेगेटिव थॉट से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा तुलना करें किसी चीज की, या फिर हो सकता है आप खुद को उतना ज्यादा अप्रिशिएट ना करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो मैंने बहुत पहले भी एक रीडिंग बनाई थी उसमें ऐसा आया था कि आप शायद खुद को कंपैरिजन करते हैं लोगों से, कि लोग ऐसे हैं मैं ऐसा हूँ, या फिर मैं ऐसी हूँ, या फिर लोगों में ये क्वालिटीज हैं मुझ में ये क्वालिटीज नहीं है, या फिर मैं ऐसा दिखता हूँ या फिर मैं ऐसी दिखती हूँ, मतलब किसी तरह का ऐसा कुछ है। तो इस चीज को रिलीज करने की जरूरत है आपको, थोड़ा आप चीजों को ना अलग तरीके से देखिए और बदलिए चीजों को। ठीक है, आप अपने आप को जितना ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे ना चीजें उतनी बेहतर होंगी आपके लिए। आप खुद को दूसरों से कंपैरिजन मत कीजिए, आप बेहतरीन हैं लोगों से, तभी आपके डेस्टिनी में इतना सब कुछ लिखा हुआ है, नहीं तो क्यों लिखा होता, है ना। तो बेसिकली आपके जीवन में कोई बहुत एक बहुत बड़ी खुशी आ रही है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी, यानी कि इस समय जो आपका भाग्य है ना आपको पूरी तरह से फेवर कर रहा है, यानी कि 100% जो है आपको फ्रूट देगा आपकी डेस्टिनी का। काफी ज्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं आप अपने पीरियड में, और अब जो है बारी आ गई है आपके बेसिकली भाग्य को बदलने की। ठीक है, 360 डिग्री जो है वो घूमने वाला है चक्का आपके लाइफ का, और ये जो भाग्य है ना ये इस तरह से बदलेगा कि अब किसी का कोई भी इंटरफेरेंस या कोई भी उल्टी सीधी चीज, नकारात्मक चीज जो है आपको परेशान नहीं कर पाएगी, यानी कि आपकी लाइफ में जो बैलेंस आएगा ना इस बैलेंस को कोई हटा नहीं पाएगा, हिला नहीं पाएगा, ये बैलेंस जो है लाइफ टाइम रहेगा। अब आपके जीवन में इसके बाद कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में जो है अपने करियर में, या आपकी जो मटेरियलिस्टिक चीजें, या फिर आपकी संपत्ति को बेसिकली आप बढ़ाएंगे अपने जीवन में। ठीक है, हो सकता है आप नई कार खरीदें, नया घर खरीदें, नया बिजनेस क्रिएट करें, बिजनेस एक से ज्यादा आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है ना आप अपनी, जैसे एक होता है कि कोई पर्सन होता है उसको राजा बनना होता है, या फिर वो अधिकारी होता है राजा बनने का, लेकिन उसको बनने नहीं दिया जा रहा होता है, तो यहाँ पर ना आप अपनी गद्दी संभालने वाले हैं, आप राजा बनने वाले हैं। ठीक है, बट थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ना कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव लोग भी रहेंगे जो बहुत ज्यादा मीठे बन के रहेंगे और आपको जो है आपकी जड़ें खोदने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल जो है ईश्वर आपको आपकी पोजिशन दे रहे हैं, आपकी डेस्टिनी आपको पोजिशन दे रही है, और आप जो है अपने जीवन में अपनी पोजीशन को आप जो है हासिल कर लेंगे और उस पे विराजमान हो जाएंगे, और अपनी
पावर में आ जाएंगे, जो कि बहुत लंबे समय से आपको आपकी पावर में आने से रोका जा रहा था। आपने ये काम बिल्कुल करने के ऐसी एनर्जी आई है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, जो कि मैंने पहले भी कहा कि आपके जीवन में बेसिकली बहुत सी चीजों को रोकने की कोशिश की गई है। आपके पैसे को भी बहुत ज्यादा टारगेट किया गया, सो दैट कि आपका पैसा आपको ना मिले। मेहनत तो करें बट फ्रूट ना मिले, फल ना मिले, मेहनत का पैसा मिले ही ना, मिले ही ना, ऐसा कुछ किया गया था। तो यहाँ पे जो है आपको आपके मेहनत का फल और आपके भाग्य की चीजें मिलते हुए नजर आ रही हैं, ठीक है। बहुत लंबे समय से जो कोई चीज आपके जीवन में या प्रेम जीवन में कोई चीज रुकी हुई थी, जो बहुत लंबे समय से रुकी हुई थी, आगे बढ़ नहीं रही थी, बढ़ नहीं रही थी, तो वो जो चीजें हैं अब आपके जीवन में आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके जीवन में चीजें आगे बढ़ रही हैं और आपको जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, यानी कि आपके जीवन में शायद प्यार की कमी थी, कोई प्यार नहीं था, तो वो प्यार आपके जीवन में आ रहा है। कोई रिलेशनशिप टिक नहीं रहा था, शादी हुई थी, शादी ठीक नहीं चल रही थी, टूट गई थी, या जो जो टूट रही हो ऐसी कोई कगार पे हो, तो वो चीजें अब ठीक हो रही है। आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, बेसिकली आपके जीवन में ना चीजों को अब पूरी तरह से ठीक कर दिया गया है, यानी कि एंजल्स ने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया है। और आपको जो है आपकी लाइफ में जो आपकी ओरिजिनल जगह है, बिल्कुल वहां पर आपको बिठाया गया है, ठीक है। बट यहाँ पे जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था एक बार कि डेविल की एनर्जी यहाँ पर जो है फिर से आ गई है, यानी कि आपको रोकने की कोशिश जबरदस्त तरीके से यहाँ पर की गई है। ये नेगेटिविटी देखिए, श्वेतान का नाम तो ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना शैतान की जैसे एनर्जी आपने सुनी होगी कि खामखा बस लोगों के रास्ते में रोड़े अटकाना, उनको आगे बढ़ने से रोकना, तो यहाँ पर जो है आप एक दिव्य आत्मा भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपके डेस्टिनी में इतना कुछ लिखा हुआ है, मिल नहीं रहा है आपको, मिलने से रोका जा रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात होगी, यानी कि आप कोई छोटे मोटे मामूली इंसान तो नहीं है, स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप, हो सकता है आपने खुद को पहचाना नहीं है, या फिर आप अपने आप को पूरी तरह से पहचान नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा खुद को पहचानने की जरूरत है। किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट से प्लीज बाहर निकल जाइएगा, किसी भी तरह के नेगेटिविटी से दूर रहिए, अपनी सेजिंग करते रहिए, क्लिंजिंग करते रहिए, कोशिश कीजिए आप लोग जो है अपने आप को हर तरह की नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट रखें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब आपके जीवन में कोई बहुत बेहतरीन चीज होने वाली हो, आपके नेगेटिव थॉट्स और आपका डिप्रेशन या आपकी एग्जाइटी आपको घेर ले, और आप अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच कर मुंह फेर लें। ये नहीं करना है आपको, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि बेसिकली ये जो डेवल यहाँ पर आया है ना, ये यही करने के लिए आया है, आपको किसी बकवास चीज में बांधने के लिए आया है, और आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने के लिए आया है, और आपके जीवन को रोकने के लिए आया है। लेकिन इसको पीछे हटाते हुए आपको क्या करना है, आपको अपना अलग डिसीजन लेना है, और आपको किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट या नेगेटिव पैटर्न में नहीं फंसना है, और आपको अपने विचारों को बेसिकली बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है। देखिए जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर प्रोजेक्शंस तो चल रही हैं, और आपको रोका जा रहा है आपके नॉर्थ नोड की तरफ जाने से, या फिर आपकी एक अलग यात्रा पर जाने के लिए, और आपको अपने जीवन, आपको ना बेसिकली आप कार्मिक जाल से फंस के, जो कार्मिक जो जंजाल होता है उससे निकल रहे हैं। यहाँ आपको कोई फंसाना चाहता है दोबारा से, कि आप इसी में फंसे रहे और आप इस जंजाल से बाहर ना निकले, तो आपका जो है समय पूरा हो चुका है और आप इस जंजाल से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपको इस जंजाल में जबरदस्ती फंसा के रखने की भरसक कोशिश की जा रही है। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए, और मेडिटेशन जरूर कीजिए, एटलीस्ट 21 मिनट तो जरूर करना है आपको, सो दैट कि आपके चक्रास जो है हील हो जाएं और आप अपनी नेगेटिविटी से भी रिलीज हो जाएं। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी तो नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, और सही समय पर सही डिसीजन आप ले पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यही चीज दिखाई दे रही है कि आपके जीवन में पूरा चेंज होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है, और एकदम से जब आपके जीवन में कोई चेंज होने वाला होगा, उसी वक्त आपके जो है आपके नियर अबाउट के लोग और आपके नेगेटिव चीजें आपको घेर लेंगे, और वो आपको मैनिपुलेशन करना शुरू कर देंगे, और आप अपनी मंजिल को
बिल्कुल जैसे आपके डेस्टिनी का एक दरवाजा है, उसको खोलते खोलते आप रुक जाएंगे। ये चीज का ध्यान रखिए, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, ठीक है? इस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, आपको ऐसा नहीं करना है। इतने साल संघर्ष करने के बाद अब जब आपको सब कुछ मिल रहा है, तो आप क्या करना चाहते हैं? आप इसी नेगेटिविटी में अटके हुए रहना चाहते हैं, क्या होगा इससे? अच्छा चलिए दो कार्ड ले लेते हैं, यहाँ से भी कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, देखते हैं कि आपके जो इंडियन देवी देवता हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस विषय में, और वो अपनी क्या राय देना चाहते हैं। ये आपको क्या करना चाहिए? द डेविल, एज आई टोल्ड यू कि आपको इस डेविल के चंगुल में नहीं फंसना है, इस शैतान की चीजों में नहीं फंसना है, क्योंकि देखो वो जो है ना आपको निकलने ही नहीं दे रहा इस नेगेटिव चीज से, ठीक है? आपके जीवन में ये आपको इस नेगेटिव चीज से बाहर निकलने ही नहीं दे रहा, आपको नेगेटिव पैटर्न में बार 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 फंसा के जैसे कोई रखना चाहता है, ठीक है? आपके जीवन में कोई बहुत अच्छी उपलब्धि आएगी, कोई शायद आपको कुछ ऑफर करे, आप अपने लाइफ में किसी से मिले, और चीजें जब बदलने वाली होंगी ना, तभी आप अपना मन बदल लेंगे और सब कुछ ही बदल जाएगा, तो वहां पे अपने मन नहीं बदल, ठीक है? अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, और मैसेजेस ले लेते हैं। प्लीज एंजल्स मुझे एक मैसेज दे दीजिए। ये कोई मैसेज क्यों नहीं आ रहा? देखो ऐसा मैंने कहा था, आपके इर्द गिर्द के ना नेगेटिव लोग भी आपके ऊपर बहुत पैनिक नजर बनाए हुए हैं, ठीक है? और वो लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह से आपके जीवन में शुभ हो, तो उनकी बड़ी पैनी नजर है आपके ऊपर, आपको उनको गलत साबित करना है सभी को, ठीक है? तो ये कार्ड आना चाह रहा है, ले लेते हैं इसको। द लवर, पुरुष एंड प्रकृति, राधा और कृष्ण, यानी कि आप अपने ट्विन फ्लेम या फिर अपने सोलमेट से मिलने जा रहे हैं, और ये जो डेविल है ना, इसके मुंह पे जो है ना डिवाइन एक जोरदार थप्पड़ मारने वाले हैं। ईश्वर जो है आपको आपके भाग्य का हिस्सा देकर रहेंगे, कोई भी इसे आपसे छीन नहीं सकता, आप पहले से ही विजयी हैं, बट हाँ ये अपनी आखिरी कोशिश तो जरूर करेगा, ठीक है? यहाँ पर जो है तारा माँ जो है आपको एक ब्लेसिंग दे रही है, माँ तारा जो है आपको आशीष दे रही है कि आप इस जीवन में अपने भाग्य का हिस्सा लेकर रहेंगे, आपको कोई भी डेविल या कोई भी नकारात्मक शक्ति जो आपके ब्लेसिंग्स को लेने से रोक नहीं सकती, वो हैं जो आपको चाहते हैं कि आपके ब्लेसिंग्स को आप तक पहुंचने से रोक दिया जाए और आपको रास्ते में अटका दिया जाए, आपको धैर्य से काम लेना है, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा अपने लाइफ के, क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में अगर आप कोई डिसीजन लेंगे ना, तो फिर आप अटक जाएंगे उस चीज में, ठीक है? रीडिंग बहुत लंबी सी होती जा रही है। चलो दो तीन मैसेजेस पढ़े, चलो इसमें से भी ले लेते हैं एक दो मैसेजेस कि क्या मैसेज आ रहा है। देख लेते हैं, ओके साइलेंस। देखिए आपको जो है ना साइलेंस की एनर्जी में आना है, यानी कि इस समय जितना हो सके आप खामोश रहिए और एकदम से बूम कर देना। आपके देखो एक और कार्ड आ गया है, चलो ले लेते हैं, ठीक है? एक्सपीरियंसिंग
आपको जो है ना बहुत सी ऐसी चीजें जो है जो सीखा है ना आपने, वो सभी चीजें अब यहाँ पे पेश आएंगी। आप बहुत सी चीजों को अभी जो है फेस करोगे, एक्सपीरियंस करोगे। वो सभी चीजें इसीलिए एक्सपीरियंस करेंगे आप, क्योंकि ये आपके आध्यात्मिक यात्रा का एक हिस्सा है। ओके, जल्दी ये वाला डेक जो है जल्दी जल्दी काट दे रहा है। कंडीशनिंग आपके जीवन में ना, आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है। यहाँ के जो लोग एक्चुअली, आप देखो ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से डिफरेंट हो दूसरों से। आपको जो है यहाँ के लोग अपने जैसा बना के रखना चाहते थे कि आप भी हमारी तरह एक मामूली से इंसान है, बल्कि आप ऐसे नहीं थे। ठीक है, आप अपने जीवन में बहुत सी नई चीजों को जो है एक्सपीरियंस करेंगे, और आपके बोझ को लोग जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि आपके बोझ को बढ़ा दिया जाए और आपको रोक दिया जाए, बट आपको क्या करना है, खामोश हो जाना है। बिल्कुल भी किसी की बातों में नहीं आना, किसी से कोई उलझना नहीं है, लड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं है, शांत रहना है और अपने जीवन के आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव करना है और अपना ट्रांसफॉर्मेशन करके यहाँ से निकलना है, क्योंकि आप इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं, आप यहाँ पर नहीं आएंगे दोबारा। ठीक है, आपके लिए कुछ और दूसरी चीजें हैं। चलिए ठीक है, एंजल्स के डेक में से भी दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके, ऑथेंटिसिटी, आई एम ऑथेंटिक एंड ट्रू टू माई सेल्फ। देखिए, आपको कहा जा रहा है कि आप जो है बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक रहे हैं अपने जीवन में, और आपने जो अपने लिए बहुत ही ट्रू, आप एक्चुअली अपने लिए भी बहुत ज्यादा ट्रू रहे हैं, यानी कि आपने खुद को भी बहुत ज्यादा बहलाने फुसलाने की कोशिश नहीं की या दूसरों के हिसाब से चलने की कोशिश नहीं की। तो आप बहुत ही ऑथेंटिक पर्सन है, और आपके जीवन में भी ऑथेंटिक कनेक्शंस अब आएंगे। विजडम, आपको अपने भीतर के विजडम को पहचानना है, जो आपके हाईएस्ट गुड को सर्व करता है और आपके चॉइसेस को हाँ, और वो चॉइसेस करवाता है आपसे, जिसमें आप अपने आप को जो है एक बहुत अच्छी पोजीशन पर रख पाए। ठीक है, तो बेसिकली आपके जीवन में आपको अपनी विजडम को भी पहचानना है। फ्रीडम, तो भाई आपको जो फ्री किया जा रहा है अब हर तरह के नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव पैटर्न से, नेगेटिव पास्ट लाइफ कनेक्शन से, और अब जो है आप अपनी लाइफ को ऑथेंटिकली जिएंगे, यानी कि आपके जीवन में बड़े ही ऑथेंटिक कनेक्शंस आएंगे, बहुत सभ्य और सही लोग आएंगे जो आपको आपके लिए बहुत ज्यादा सही साबित होंगे, यानी कि आप उनके साथ बहुत ही फैमिलियर टाइप फील करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए, एक मैसेज जो है ना इस बुक में से भी लेते हैं, देखते हैं डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है, कि आपके लिए क्या मैसेज है ईश्वर का। यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड एज आई टोल्ड यू। भले ही आपको जो है डिवाइन रोकने की कोशिश करे, लेकिन आप जो है बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता, आपकी कामयाबी को रोका नहीं जा सकता है, यानी कि आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। ठीक है, भले ही डेविल आपको रोकने की कोशिश करे, बट आप नहीं रुकेंगे, आप बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। ठीक है, चैनल्ड मैसेजेस में से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, दो चार मैसेजेस देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है। सबसे पहले लव स्पेल झांक रहा है। देखो यहाँ पे ना आप एक मैसेज आ ही गया है, गॉड स्टिल आंसर प्रे एंड बिलीव। तो ईश्वर कह रहे हैं कि मैं अभी भी जवाब देता हूँ, तुम सिर्फ प्रार्थना करो और विश्वास करो। योर मेगा मिरेकल इज नॉकिंग एट योर डोर। तो भाई आपका कोई बहुत बड़ा मिरेकल जो है, आपका दरवाजा खटखटाने वाला है। ठीक है, चलो एक मैसेज आ गया है, फ्री योर माइंड टू बी ट्रूली फ्री। अपने माइंड को पूरी तरह से फ्री कर दीजिए, ताकि आप सच में फ्री हो सके। ऐसा हो सकता है कि आपने जो है खुद को फिजिकली तो फ्री कर दिया है, लेकिन माइंड में आपके नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। उन नकारात्मक विचारों को रिलीज कीजिए। स्टॉप स्टॉप वरिंग, गॉड इज फेथफुल। ईश्वर कह रहे हैं कि चिंता करना बंद कर दीजिए, मैं अभी भी फेथफुल हूँ आपके लिए। कर्मा सेड लॉट ऑफ न्यू मनी विल कम इनटू योर लाइफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू वीक। कुछ हफ्तों में ही आपके जीवन में पैसों के नए स्रोत आने वाले हैं। ठीक है, मेडिटेशन, आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन बहुत जरूरी है आपके लिए। Someone you have prayed for is about to arrive suddenly. तो भाई आपने जिसके लिए प्रार्थनाएं की थी, वो आपके जीवन में एकदम से और अचानक से आने वाला है। यानी कि हो सकता है आपके किसी पर क्रश हो, या कोई ऐसा पर्सन जिससे आप खुद
कनेक्टेड फील करते हो वो आपके जीवन में आने वाला एकदम से आएगा। अ गुड लाइफ नीड्स सम बैड डेज, तो भाई यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कुछ अच्छे भविष्य के लिए थोड़े से बुरे दिनों से डील करना पड़ता है। नाउ इट्स योर टर्न टू विन द गेम, तो भाई अब आपकी बारी है इस खेल को जीतने की जो दूसरों ने शुरू किया था। ठीक है, तो आज के लिए यही मैसेज था आपके लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए प्लीज। और एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी सब लोगों को, मेरा एडवांस टैरो ट्रेनिंग कोर्स आ रहा है, 15 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। आप जल्दी से जल्दी इनरोल करवा लीजिए और अपने लिए सीट बुक करवा लीजिए। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए है। और एक और मैसेज देना चाहूंगी मैं कि कुछ लोग जो हैं मुझसे बार्गेनिंग के लिए बोलते हैं, फी के लिए बार्गेनिंग करते हैं या फिर किसी चीज के लिए, तो प्लीज ना खुद शर्मिंदा हो ना मुझे ही करें, क्योंकि मैं सबको इक्वली ट्रीट करती हूँ। अगर मुझे किसी ने एक ने 100 रुपए दिए हैं तो मैं दूसरे से भी 100 ही लूंगी, मैं किसी एक से 500 या 1000 नहीं लूंगी और उससे कम भी नहीं लूंगी, क्योंकि मैं सबको इक्वली ट्रीट करती हूँ। तो आपको इस चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि अगर कोई एक इंसान एक फी या एक किसी भी चीज के लिए मुझे पे कर रहा है तो बाकी लोग भी उतना ही करेंगे। ठीक है, मैं इस चीज को लेकर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे लिए सभी इक्वल हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता देती हूँ आपको, क्योंकि मैंने जब स्टडी की थी या मैंने जब ये टैरो ट्रेनिंग की थी अपनी, तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मैंने किसी से बोरो किए थे, 30,000 मैंने बोरो किए थे, और उसके बाद वो पैसे मैंने से अपना फी पे किया था। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ ऐसा करने के लिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो मेरे बैच में जितने भी लोग थे सबका इक्वल ही फी था, तो मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई थी। और यही जो है पैटर्न मैं भी आगे कंटिन्यू करूंगी, तो प्लीज मुझसे बार्गेनिंग के लिए ना पूछें। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपनी एजुकेशन को अपनी अर्निंग को प्रायोरिटी देते हुए सीखें, ना कि बार्गेनिंग करते हुए। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप मुझे परमिशन दीजिए, कल फिर आऊंगी एक और मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।